Second assumption is, let's assume federal government does what? It sits with stakeholders and makes a code of conduct. Stakeholder is who? It can be journalists, lawyers, they can decide, sir. Please, देखिए ना, don't just say. आपका direction तो सर federal government को. ये देखिए ना, ये stakeholders वो अपने चार दोस्तों को बिठा लेंगे अपने साथ. हाँ जी, ये stakeholders हैं. That would be the right. अब आप ये ऐसी बातें जब आप करें, कोई चीज लाए अदालत, तो सोच समझ के करें ना कि ये 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 अब बता दीजिए वो क्या हम करें आगे. पार्लियामेंट हैज टू मेक द लॉ. अब तो फिर वो पार्लियामेंट कलम पे कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इख्तियार इस्तेमाल कर लिए, ये हमारा काम है. तो ये दरख्वास्त आप, ये दरख्वास्त आप अगर सारे मेम्बरान पार्लियामेंट को अभी आने वाली है उनको भेज दीजिए, शायद वो बना दें आपके लिए कानून. हमें नहीं पता सर, मैं लेजिस्लेचर के लिए डायरेक्शन नहीं मांग रहा, मैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि वो कोर्ट उन्होंने पहले ब्रॉडकास्ट का बनाया, डिजिटल का भी बना दे. के लिए कोई सपोर्ट ऑफ लॉ तो चाहिए. अच्छा, ना अगर अगर फेडरल अगर अटॉर्नी जनरल ने बात कही तो नहीं है, अगर उन्होंने कह दी हम नहीं करते या हम आईन के ताबे हैं और हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है. सर, पीटीए एक्ट और पीका में बन सकते हैं, ये अंडर रूल्स बनाने की जहाँ पावर है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी जर्नलिस्ट को जो है जिस तरह से हैक कर रही है. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप सुनेंगे ना जरा इनकी बात. नहीं, आप लोग तशरीफ रखें दो मिनट, हम जरा आप दोनों तशरीफ रखें, एक एक को सुनेंगे आप, कोई फिक्र ना करें, कोई नहीं जाएगा जिसको नहीं सुने. There is statutory law under which this court can be made. Exactly. Dekhe, you have hit the nail on the head. Yes. There is statutory law. Yeah. To give us some statute to help you. Yes. Pakistan Telecommunication Reorganization Act, jo hai. Sir, I would rely on the PTA Act. But it took a long time to come here. Certainly. Gee, it's a provision. Read it. Yes, provision. इसमें आई विल हाउ एवर सबमिट एंड दिस इज नो लेट्स रीड जी सर, वो इस पे आ रहा हूँ सर. इट सीम आई एम जस्ट मेकिंग अ सबमिशन सर जी. सर, आई एम जस्ट मेकिंग अ सबमिशन दैट एट दिस पॉइंट इन दिस एनवायरमेंट इट सीम्स लाइक एवरीवन इज वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस एनवायरमेंट. ये कोर्ट तो सर अगले छह दिन में वैसे भी नहीं बनेगा. फॉरगेट इट, द एनवायरमेंट वी डिसाइड केसेस, वी डोंट केयर अबाउट एनवायरमेंट. मैं तो सर अपना, यू लाइक आवर डिसीजन, यू डोंट लाइक इट, फाइन. नहीं सर, मैं इस एनवायरमेंट में आप सेशन नहीं देखिए. अब आप ये कह रहे हैं कि मैं एनवायरमेंट को देखते हुए फैसला नहीं, नहीं सर, मैं कह रहा हूं मैं तो कंसेशनरी बात एज अ पिटिशनर कर रहा हूं कि मैं तो इस चीज के लिए बताया क्योंकि छह दिन में तो कोर्ट वैसे भी नहीं बनेगा. अगर ये चाहें तो रख लें बाद में आठ तारीख के बाद, क्योंकि दिस इज अ समथिंग व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बट नॉट नेसेसरी समथिंग. इनकार कब कर रहे हैं जी सर? हम आपसे इनकार कब कर रहे हैं? हम सिर्फ कह रहे हैं हमें तरीके कार बताइए जी सर. हम अगर आपसे इनकार कर रहे होते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी तो हम आपसे कह रहे हैं चले मफरूजे के तौर पर. मैं इसमें सर एक जो है वो सारे कानून जो इनेबलिंग प्रोविजन हैं जिसके तहत कोर्ट बन सकता है टू इन्फोर्स दीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सर वो एक आपको रिटर्न सबमिट कर देता हूँ कि ताकि जो आप कर दें. आपको टाइम चाहिए जी सर? वक्त चाहिए जी सर. मैं सबमिट कर दूंगा सर जी. जी सर, अच्छा चलिए ठीक है फिर. अगर आपको वक्त चाहिए, अगर ये जरा ये हमारी रहनुमाई कीजिए. बिल्कुल ठीक, क्योंकि वकील का काम होता है आईन और कानून के हवाले से रहनुमाई करे जज. मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, और मेरे ख्याल में मैं भी बहुत सारे ख्याल रखता हूँ मगर ताबे हूँ आईन और कानून के. बिल्कुल ठीक है. आप कितना वक्त चाहिए आपको चीज करने में? सर आई थिंक 10 days, 1 week. ठीक है, एक दरख्वास्त आ रही है इलेक्शन के बाद कर ले, हम इनसे भी पूछ लेते हैं. सर ऐसे ही करेंगे. ये देखें कि जल्दबाजी में ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए. अब इतना अरसा गुजरा है, जहां तक वो स्पेसिफिक केसेस थे वो तो हमने उनको कह दिया हमें रिपोर्ट दीजिए. हम अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीजें वो फॉरन कर देते हैं. अगर कोई एक देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जजमेंट वो कमिट, अगर शायद हो सकता है इनकी भी दरख्वास्त आ जाए फिर 184 की कमिटी में भी चला जाता है, फिर उसको भी लगा देते हैं. चले, अब आप बात कर रहे थे, मतीउल्लाह जान साहब तशरीफ लाइए. थैंक यू माइलॉर्ड. माइलॉर्ड, मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की इशू है या पटिशन है, इसको क्लब ना करें हमारे इस प्रेजेंट केस के साथ.
बिकॉज देर इज अ कोअर्सिव एनवायरमेंट और इस कोअर्सिव एनवायरमेंट में किसी किस्म के एक बात रोक लूं, ये जो केसेस हैं तीन केसेस हमने कुछ क्लब नहीं किए, ये चले आ रहे हैं सात, ये कम से कम हमें ना कहें कि हमने क्लब किए क्योंकि चले आ रहे हैं सैन, अब इसको डीलिंक करना होगा, अब कोई किसी की दरखास्त आएगी हम देख लेंगे, इस मौके पे ये क्लब्ड हैं, काफी ऑर्डर्स भी पास हुए हैं, तो अब हम ये अच्छा ठीक है अगर आपको दरखास्त देना आप दे दीजिए कि हम इसको कर लें, तो कम से कम अब क्यों क्लब हुए मुझे सारे ऑर्डर्स पीछे पढ़ना होंगे कि वजह क्या थी। अच्छा दूसरी बात भी आपको दूसरी बात भी कर दूं, कल आपने एक बात उठाई थी कोर्ट में हमने फिर भी सुन लिया आपको, आपने जिक्र किए थे एक साफी का केस अरशद शरीफ yes, वो मैंने चेक किया वो पांच मेंबर बेंच के पास चल रहा था right. अब क्यों चल रहा था पांच मेंबर बेंच के, क्या वो चेंज होके तीन मेंबर बेंच के पास हो सकता है, अब वो इतना वक्त नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हुए, तीन मेंबर तो चले ही गए ना, तो अच्छा उसमें दूसरी बात यह है उसमें मैंने देखा कि उनकी वालदा मोहतरमा और उनकी बेवा दोनों के वकील हैं, जिस केस में वकील अपियर हो रहे हैं आपका मुनासिब नहीं है उसमें आना, वो उनको कोई बात है अर्जेंट एप्लीकेशन देना है वो दे सकते हैं, यकीनन वो हमसे ज्यादा बेहतर कानून समझते हैं और वो अगर देना चाहें अब फिर उसको देखना होगा कि वो अगर इसके साथ लगाएंगे तो तीन मेंबर बेंच है, अब हम कर भी सकते हैं या नहीं, तो ये इसमें काफी वक्त मगर मैंने सरसरी तौर पे देखा पांच मेंबर बेंच, थैंक यू वेरी मच, ये बात तो आपकी हो गई, अब आखिरी बात बता दें या कोई और बात है सर, क्विकली ये कह रहा हूँ कि ये सात दिन रह गए इलेक्शन में, ये सब मान रहे इस बात को, ठीक है सदर साहब को सुन करके साहब को इतराज नहीं अगर सात दिन के बाद, एक आखिरी रिक्वेस्ट है, ये मैंने एक मई 3, 2014 को मैंने एक आर्टिकल लिखा था शैल नॉट कोर्ट फॉर कोर्ट रिपोर्टर्स, दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर आप चाहें तो इसको देख, आप कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, मैंने ये 2014 में ये आर्टिकल लिखा था, सोच लीजिए आप फंस तो नहीं जाएंगे उसमें सर, मैंने 2014 के लिखा था, जाहिर बात है फंस तो नहीं जाएंगे सर, जजेस और जर्नलिस्ट हमेशा हम, अच्छा अगर आप सर माजी के फैसलों पे हम दोनों फंसते हैं जो जो हम करते रहे माजी में, नहीं देखिए आप शायद फंस जाए इसमें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था कि आपको इसका हवाला दूं, मगर नहीं सर आपकी बात ठीक है, आई एम विलिंग टू फेस इट सर, नो प्रॉब्लम, अगर इसी को कर दें तो आई विल बी देयर टू फॉलो इट, ये देखिए बहुत सारे बहुत अच्छे पॉइंट है, ये मेरा काम नहीं है इससे मैं एग्री करूं या ना करूं जी सर, मगर अभी हमें ढांचा चाहिए कि ये है कानून की अदालत कि हम ऐसा हुक्म कर सकते हैं या नहीं, राइट सर, फिर सवाल होगा कि कैसे करें, बस सर इस कोर्सिव माहौल में ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर बात तो मेरे ख्याल में करना वैसे ही है कि किसी भी चीज पे अंगूठा लगवा लें आजकल साफियों से आप, क्योंकि इतने बड़े नोटिस जारी हुए हैं तो अब तो हमारे नुमाइंदे किसी भी चीज पे अंगूठा लगा देंगे, तो मेरे ख्याल में इसको डीलिंग करना बड़ा जरूरी है सर, इस केस को अलग करने हम सुन लेंगे ना, शायद ये नाराज हो जाए हैदर वहीद साहब, उसमें आप पार्टी नहीं है या तो आप पार्टी बनने की दरखास्त दें क्योंकि अभी आप स्ट्रेंजर हैं टू द प्रोसीडिंग्स सर, मेरा नहीं ये देखिए हम आपको फिर भी सुन रहे हैं मगर टेक्निकली स्पीकिंग हम आपको नहीं सुने सर, मैं अपने केस के वाले से एक रिक्वेस्ट कर लूं, अगर वो मेरा केस जो अलग से लगा हुआ है किडनैपिंग वाला उसको इस केस का नंबर क्या है सर